हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंचला लड़का। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ अनबॉक्स करने वाले हैं जो आपके और मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है लॉन्ग राइड्स पे। सो लेट्स अनबॉक्स। जब आपके पास स्टूडियो नहीं होता ना, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मुश्किल चीज़ होती है जगह ढूंढना, जहाँ आप अनबॉक्स कर सको, जहाँ इधर उधर की चीज़ें ना आए। घर पे मेरे पास टेबल थी, पर यहाँ पे ना सब ऐसा रहता है, तो मैं ना बहुत मुश्किल होता है ऐसा स्पॉट ढूंढना। बट फाइनली मैंने वो स्पॉट भी ढूंढ लिया है। ये रहा मेरी बालकनी अपनी, एंड ये रहा बॉक्स वो रायनॉक्स का जो हमने ऑर्डर करा था। ऑर्डर नहीं करा था, हमको किसी ने गिफ्ट करा, बट अभी हमारा हो गया है, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। क्या है वो आपको अब पता लग जाए। तो पहले एड्रेस को ही काट देते हैं ताकि ना दिखे। सो गाइस, क्या होने वाला है इसके अंदर? एक बिल, इसको हम रखते हैं साइड में क्योंकि इसमें एड्रेस होगा। एंड पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करके आती है, वो तो मैंने उसके ऊपर सामान रखा था इसलिए दब गया, बट पैकेजिंग काफ़ी अच्छी आई थी। एंड आई होप आप देख के पहचान पा रहे हो। नहीं। सो ये होने वाले हैं हमारे रायनॉक्स एक्सपीडिशन सैडल बैग्स। हाँ, तो इसको लेने के लिए मैं काफ़ी वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कभी लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो मुझे पीछे बैग बांधना पड़ता था, बट अब मेरे पास एक ग्रेट अल्टरनेटिव है, नहीं ग्रेट सॉल्यूशन है। तो ये आने वाला है हमारा ग्रेट सॉल्यूशन जो है एक्सपीडिशन सैडल बैग। इसका मैंने इतना ज़्यादा इंतज़ार करा है, मुझे ये इन स्टॉक नहीं मिल रहे थे रायनॉक्स की वेबसाइट पर। जैसे ही मुझे मिले मैंने बताया मुझे गिफ्ट कर दो, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला था, अभी लास्ट मंथ ही गया तो मुझे गिफ्ट मिले। आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनबॉक्स। सी कितना प्रीमियम है, वैसे ही प्रीमियम लग रहा है। एंड दिखाते हैं, चलो आप जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको रखते हैं साइड में। ये गया नीचे, ये गया नीचे, ये है सबसे काम की चीज़। इसके अलावा बॉक्स गया नीचे। वाओ, सीरियसली गाइस, वाओ, माय फर्स्ट रिएक्शन इज़ वाओ, क्या सही लग रहा है रायनॉक्स। एंड इस पे रायनॉक्स एक्सपीडिशन की बैजिंग भी है। ये काफ़ी अच्छे बैग हैं। इसके बाद इन्होंने कोई सैडल बैग नहीं निकाले हैं, इसके पहले आते थे ड्राई स्टैक, बट ये आए मुझे बेस्ट लगे। इसी पैटर्न में, इसी कलर में एक टेल बैग भी आता है, बट टेल बैग की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सैडल बैग की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं विद अ पिलियन भी राइड्स करता हूँ, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगर आप भी कोई सैडल बैग या कोई बैग देख रहे हो, अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो, तो आप यही लो। टेल बैग क्या है, जो पीछे वाली सीट है वो ले लेता है। अगर आपके पास पीछे टेल रैक नहीं लगी हुई है, वो बड़ी वाली टूरिंग वाली, तो उसके बिना वो काम का नहीं है। बट सैडल बैग में क्या होता है, बीच में सेंटर आपको बेस मिलता है, वो आपकी सीट के ऊपर जाता है, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अगर हम सबसे पहले चेक करें इसकी प्राइसिंग, तो इसकी प्राइसिंग इन्होंने यहाँ लिखी हुई होनी चाहिए। नहीं, उससे पहले हमको मिले कुछ रायनॉक्स के स्टिकर्स, ये लगाऊंगा मैं अपनी बाइक पे। प्लस देखो, मैं बता रहा था आपको तीन ऑप्शन आते हैं। इसमें आता है एक एक्सपीडिशन ड्राई बैग जो इसके ऊपर है, टेल बैग के ऊपर टाई कर सकते हो। एक आता है एक्सपीडिशन टेल बैग, एक आता है सैडल बैग जो हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। ये इनकी पूरी एक्सपीडिशन सीरीज़ है, स्टॉर्म प्रूफ है सारे, ये इनका मेन फ़ायदा है। एंड इस पर प्राइसिंग नहीं लिखी हुई है, बट ये आपको अप्रॉक्स पड़ते हैं 7000 के, अगर हमें देख पा रहे हो तो 6950, ये आपको पड़ते हैं 7000 के। अब इसको खोलते हैं। हेल्प मी गाइज, ये खुल गया। एंड इसका बैठने का पैड है जो सीट के ऊपर जाएगा। एंड ये रहा, दो कंपार्टमेंट दोनों साइड। मेरी बाइक पे ऑलरेडी सैडल स्टे लगा हुआ है जाना का। देखो, मैं अगर आपको इजी वे में समझाऊं तो कैसे होने वाला है। ये हमारी बाइक का सैडल स्टे, राइट, तो हम इसको यहाँ लगाएंगे, तो ये बाहर रायनॉक्स की जो बैजिंग है वो चमकेगी, प्लस ये जाएगा अंदर की साइड, जो ये वाला पार्ट है ये जाएगा बाइक के सैडल स्टे और ये जाएगा सीट के ऊपर। तो हम इसको यूं रखेंगे और ये सीट के ऊपर जाएगा। प्लस ये हमारा दूसरी साइड का बैग है, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, ये जाएगा नीचे उसकी साइड एंड ये जाएगा इसके, तो ये इसके ऊपर ऐसे स्टिक हो जाएगा। ये वॉल स्ट्रिप है तो ये इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, तो ऐसे हमारे कुछ सैडल बैग लग जाएंगे बाइक पे एंड ये बीच की सीटिंग हो जाएगी। मजा नहीं आ रहा है। गाइस, कोई ऐसी जगह ढूंढना व्लॉग करने के लिए भी इज़ ऑल्सो मुश्किल, बट मुझे अपने सोसाइटी में एक जगह मिल गई है, अब आप वहाँ के शॉट एंजॉय करो। सो गाइस, अब आ गए हैं हम हमारे मोटो व्लॉग सेटअप पे एंड आपको सामने बैग दिख रहे होंगे, बाइक के साथ काफ़ी अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बाइक के साथ काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैग के ओवरव्यू से। ऊपर अच्छे से नहीं दे पाया था, बट यहाँ पे बस मेरा गोप्रो है तो मैं अच्छे से दे सकता हूँ। तो सामने सामने आप देखो तो यहाँ मिलती है रायनॉक्स की बैजिंग, यहाँ आपको मिलते हैं कुछ बकल, उस बकल का क्या यूज़ है आपको भी पता लग जाएगा। साथ में आपको मिलती है रिफ्लेक्टर स्ट्रिप दोनों साइड। अगर हम जाएँ इसके साइड में, तो उस साइड भी सेम ही स्ट्रक्चर होने वाला है, तो इस
साइड आपको मिलता है ये एक बकल जो यहाँ ऊपर से लगेगा, और कैसे लगेगा और कितना लगेगा वो आपको अभी बताऊंगा। साथ में मिलता है आपको एक और रिफ्लेक्टर, तो सामने से भी रिफ्लेक्टर प्लस साइड से रिफ्लेक्टर, जो आपकी विजिबिलिटी होने वाली है रात में काफ़ी ज़्यादा सही होने वाली है। अगर इसके पीछे की साइड आऊँ तो आपको दो चीज़ें मिलती है, एक मिलता है यहाँ पे हार्ड मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल होगा जो आपके बाइक के सैडल स्टे पे जाएगा, तो यहाँ पे हार्ड होना ज़रूरी है, वरना कभी कभी घिस घिस के इसका कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि पहले बहुत कंपनी फेस कर रहे थे बट राइनॉक्स ने वो फिक्स कर लिया। ऊपर आऊँ तो आपको मिलता है ये सेंटर ब्रिज जो जाएगा सीट के ऊपर, एंड इसके अंदर कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। इसके नीचे मिलता है आपको वेलक्रो जो दूसरी बैग के नीचे इसको टाई करने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट हैं तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है बैग का सेम रहेगा, बस एक लेफ्ट साइड के लिए है तो एक राइट साइड के लिए फिक्स है, आप दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों के लॉक हैं, वो दोनों के इधर उधर दिए हुए हैं, तो आपको बताऊँगा कैसे कैसे टाई करना है, किसका क्या यूज़ है। सो अब हम बात करें कि कौन सा बैग लेफ्ट साइड का है और कौन सा राइट साइड का है, आप पहचानोगे कैसे, तो पहले बता दूँ उसमें तीन माउंटिंग पॉइंट होते हैं, एक जाता है फुट रेस्ट पे, एक जाता है आपके बाइक के पीछे से, और एक होता है जो सीट के ऊपर जाता है। तो आपको तीन तरह से लॉक करना है, बाकी फुटरेस्ट दोनों साइड मिलेंगे और पीछे से आपको एक ही लॉक मिलेगा और ऊपर से आपको इंटरचेंज करके उसको लॉक कर देना है। तो सबसे पहले अगर मैं पहचानना चाहूँ कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है, तो ये इसका फुटरेस्ट पे जाता है, आपको देखोगे रिंग तो ये फुटरेस्ट पे जाती है, तो ये कैसे पहचानोगे, ये यहाँ पे तो जा नहीं सकती ऑब्वियसली, तो ये राइट हैंड साइड का है। तो अगर मेरे को राइट हैंड पे रिंग लगानी है तो मैं इसको ऐसे करके एंड इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा, तो हमको पता लग गया कि दिस इज फॉर राइट साइड। सिमिलरली अगर मुझे लेफ्ट साइड का चाहिए तो इसमें लेफ्ट साइड पर रिंग होगी, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसको रिंग ढूंढता हूँ केवल, और रिंग ढूंढ के इसको यहाँ लगा देता हूँ, तो ये जाएगी मेरी रिंग के फुट पैग में। आई होप आपने एक्स्ट्रा वाले फुट पैग नहीं लगवा रखे जिसमें एडजस्ट ना हो, तो मेरे में तो अच्छे से एडजस्ट हो गई है, तो ये आपका फुट यहाँ पे लॉक हो गया है, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी पॉइंट मिल गया है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा था, वो था इसमें पीछे वाला लॉक। अच्छा सॉरी गिर गया, क्योंकि अच्छे से ऊपर से नहीं चिपका रखा है, इसको पहले ऊपर से चिपका देते हैं ताकि ये स्टेबल रहे। तो अगर अब मैं इसको यहाँ से माउंट कर दूँ, ये आप देखो अच्छे से माउंट हो गया पिछली सीट पे, तो यहाँ से अब हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है इसमें आपको, अगर ये लॉक दिख पा रहा है तो हमको ये यहाँ से डालना है एंड यहाँ से अच्छे से लॉक करके इसको लाना है, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सो सॉरी अगर मैं कुछ गलत बताऊँ या मुझसे ना हो, एंड या इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आई होप। यस, सो ये हो चुका है अब लॉक, तो आपको जिस तरह से टाइट करना है आप उस तरह से टाइट कर सकते हो इसको खींच के, तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो हमारा ये एक लॉक हो चुका है फुट रेस्ट के, हमने दोनों साइड लॉक डाल दिए हैं, आप देख सकते हो यहाँ का निकल गया है, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा लॉक, तो ये दोनों साइड हो चुके हैं। अब क्या बचता है, अब इसमें आपको बचते हैं ये वाले लॉक जो आपका जाएगा इस पे, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है जो आपके बैग को मिलने वाली है, एंड ये कुछ ऐसे होने वाला है, मैं दिखाऊँ आपको करके, तो ये ऐसा एंड ये ऐसा। अच्छा उप्स 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 उप्स, ये आपके जाएगा ऐसा एंड ये ऐसा, तो आपको जिस हिसाब से एडजस्ट करना है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये जाएगा एक और इस साइड, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको जो बकल मिलते हैं वो बैग के मिलते हैं, तो अगर आप सामान भर दोगे तो ये ऐसा स्टेबल हो जाएगा, एंड जो ये बकल है यहाँ से आता है एंड ये यहाँ टाई हो जाता है। प्लस इसमें क्या है, आपको यहाँ पे और यहाँ पे लटकाने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये सब करने के बाद अगर आपको बताऊँ कि आपका बैग वाटरप्रूफ कैसे रहे, वैसे ऑलरेडी ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विनाइल कोटेड कुछ मटेरियल है जो कि काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, प्लस यहाँ पे इसको हीट करके इसको जोड़ा गया है, तो ये बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ईजिली ख़राब नहीं होगा। प्लस अगर आपको वाटरप्रूफ बनाना है जो मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले लाइनर के साथ तीन रोल देना है, एक दो तीन, ये उनका कहना है मिनिमम इतने रोल होने चाहिए, एंड मैं आपको जो बता रहा था साइड के बकल वो इस साइड काम आते हैं, तो आप इसको कर देंगे ऐसा। सिमिलरली आपने तीन दिया एंड इसको कर दोगे ऐसा। प्लस जो इसमें एक मेन ध्यान रखने वाली बात है वो है कि हमको इसकी जितनी भी एयर है वो निकालनी है पहले,
आप देखो तो ये बकल इसके ऊपर से, इसको एक और स्टेबल देने के लिए इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। हर जगह आपको एडजस्टेबल स्ट्रैप मिलेंगे, बकल्स मिलेंगे, तो उस पर कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। एंड फाइनली हमारी बाइक पर लगने के बाद पीछे से कुछ ऐसा लुक आने वाला है। आप देखो तो सर, रिफ्लेक्टर्स आपको दिखने वाले हैं। उसका ये होगा कि जब ये बैग में सामान जाएगा तो काफ़ी अच्छे लुक करेंगे। अभी भी बाइक के ऊपर बहुत चौड़ा लुक कर रहे हैं, तो सामान भरने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड पिलियन के लिए देखें तो पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा कुशन है। बैठ के देखते हैं खुद। हाँ, कुशनिंग है, मतलब इट इज़ नॉट हार्ड। खुद देखो, यू कैन फील कुशनिंग मेरे हाथ पे कैसी हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है। एंड होल्ड करने के लिए हैंडल, अगर आप कभी इसको निकाल के जा रहे हो तो आप ये बैग एक उठाओ, ये एक बैग उठाओ और दोनों उठा के जहाँ जाना है चल दो। एंड ये लॉक, हमारी बाइक पे सैडल स्टे है तो यहाँ पे स्टे हो जाएंगे, तो ये इसको होल्ड रख लेगा, इसको नीचे नहीं जाने देगा। तो मेरी बाइक के साइलेंसर किसी भी चीज़ कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सैडल स्टे है। विदाउट सैडल स्टे आई नो इतना 100% हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट इसके लिए दिस इज़ 100% परफेक्टली फाइन। एंड थैंक यू जितिन को गिफ्ट देने के लिए। आई थिंक दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट एसेसरी फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैं जब भी सोचता था लॉन्ग राइड्स के लिए एंड कोई है तो मैं कहीं ना कहीं किसी और के बैग में डालता था या पीछे तीसरे रैक पे बांधता था। बट नाउ पिलियन के लिए भी इजी है एंड मेरे लिए भी इजी है, सामान भी इसमें आ जाएगा। 32 लीटर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर मैं आपको एक खोल के दिखाऊं तो वो भी दिखा देता हूं एक बार, खोल के भी आपको स्पेस का अंदाज़ा हो जाएगा। देख लो खोलना भी कितना ईजी है, अब देखो तो है स्पेशियस। एंड स्टफ़ से तो मेरे को प्यार हो गया है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा स्टफ़ है। ये रबरी फील हो रहा है, बट ये कोई और स्टफ़ का नाम, विनाइल वाला जो मैं आपको बताया था वो इन्होंने नाम दिया था। सो अगर मैं इसको कहना चाहूँ, दिस शॉपिंग फॉर मी इज़ 10 out of 9 बिकॉज ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, प्लस इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय अ सैडल बैग, ड्रेस टैग की जगह आप जा सकते हो एक्सपीडिशन सैडल बैग्स के लिए, मस्ट गो फॉर इट। इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो एक प्यारा सा कमेंट, एंड कोई सवाल है तो नीचे पूछ लो। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, राइड सेफ, बाय।